सुप्रभात मित्रों, समाचार सार कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। देश में इन दिनों मीडिया का जिस प्रकार ध्रुवीकरण हो रहा है, वो देश की एकता और अखंडता के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मीडिया हाउस एक विशेष नैरेटिव को लेकर फोकस्ड क्यों है? शायद इसका जवाब न्यूयॉर्क टाइम की उस रिपोर्ट से खुलासा करता है कि किस प्रकार देश विरोधी ताकतें भारत के चौथे स्तंभ को कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। इन सब संदर्भों का समाचार आज का मुख्य सार है। साथ ही दिल्ली राज्य सेवा विधेयक के राज्यसभा में पारित होने का समाचार भी आज के समाचार पत्रों की प्रमुख खबर है, जिसको लेकर विपक्ष के द्वारा केंद्र सरकार पर विरोध दर्ज किया गया है। दूसरी ओर ये देश में स्थिर सरकार के महत्व को भी रेखांकित करती है। संसद सत्र में विरोध के बावजूद सरकार जनता के हितों के संदर्भ में एक के बाद एक विधेयक पास करने में सफल रही है। वहीं चीन के साथ उलझते संबंधों पर विदेश मंत्री का बयान भी आज का प्रमुख सार है। हालांकि सोशल मीडिया में छाए राहुल गांधी के सांसदी बहाली की खबर आज के समाचार पत्रों में उतनी जगह नहीं बना पाई है जितनी सोशल मीडिया में इसकी चर्चा हो रही है। इसके साथ ही तमाम ऐसे संदर्भ हैं जो आज के समाचार पत्रों में छपे हैं, जिनसे जनता में जागरूकता बनी रहे। कुल मिलाकर ये बात स्पष्ट हो रही है कि दूसरे मीडिया माध्यमों की तुलना में प्रिंट मीडिया की जो विश्वसनीयता है, उसका कोई सानी नहीं है। हमारी प्रस्तुति अच्छी लगे तो आप हमारे प्रयास के प्रसार में सहयोग करेंगे, इसी आशा के साथ कल तक के लिए आपकी अनुमति चाहते हैं। आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। नमस्कार।